तो चलिए अब बात करते हैं कल से छठ पूजा की। जी हाँ, कल से नहाए खाए की घड़ी, घाटों की साफ सफाई शुरू हो गया। प्रयागराज के संगम तट पर भी आपको बता दें कि इसकी खास तैयारी की गई है और कल से ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां महिलाओं के लिए अलग से विशेष यहां पर व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और घाटों को समतल करने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज के संगम तट पर छठ महापर्व की तैयारी हो गई है। व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए आपको बता दें कि सारी सुविधाएं यहाँ होगी, लाइटिंग से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो प्रयागराज में खास तैयारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल दोपहर में मंत्रोच्चार के साथ यहाँ स्थापित किया जाएगा भगवान। घाट की समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, लगभग वो समाप्ति की हो रही है और हमारे यहाँ लाइट वाइट की भी व्यवस्था है। अब कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, खंभे उम्भे गड़ गए हैं और 5 तारीख से नहाए खाए, 6 तारीख को खरना, 7 को अपना वो व्रत आएंगी, अर्घ देंगी शाम को। और कल से उम्मीद है कि लोग अपना बेदी बनाना यहाँ घाटों पे शुरू कर देंगे। छठ महापर्व को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज़ हो गई हैं और हम इस वक्त संगम के यमुना तट पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर तमाम व्रती महिलाएं जो हैं आएंगी और यहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और लाखों की संख्या में महिलाएं हर छठ के पर्व पर यहां पर आती हैं और उसके पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी करने की कोशिशें की जा रही हैं। मिट्टी समतलीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। तस्वीरें हम अपने सहयोगी बाबूलाल जी से कहेंगे कि जेसीबी और दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगा करके जो समतलीकरण का काम किया जा रहा है उन तस्वीरों को दिखाएं। हालांकि दिक्कतें भी जो है वो आ रही हैं प्रशासन को, क्योंकि मिट्टी जो है वो दलदली है, बाढ़ के चलते यहाँ पानी पहले था और अब पानी नीचे उतरा है तो मिट्टी जो है वो गीली है, जिसके चलते दुश्वारियाँ और दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो मेला प्रशासन है, जो प्राधिकरण है, उसका दावा है कि मिट्टी समतलीकरण का काम कर लिया जाएगा समय से, जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा, जो ज़रूरी सहूलियत और सुविधाएं होती हैं छठ पर्व को लेकर के वो घाटों पर दिखाई देंगी। तमाम जो व्रती महिलाएं होती हैं उनके लिए घाटों पर मूलभूत सुविधाएँ, चाहे चेंजिंग रूम की बात करें, शौचालय की बात करें, तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी और लाइटिंग से लेकर के दूसरे जो इंतज़ाम होते हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल किए गए हैं। और 5 तारीख यानी कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है। कल यहाँ पर सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी, बाकायदा विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा और यहीं से कह सकते हैं कि छठ के महापर्व का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।